हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम दिस साइड असिस्टेंट प्रोफेसर मीनाक्षी द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग स्कॉलर्स मंत्रा। स्कॉलर्स मंत्रा इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। रिसेंटली पंजाब स्टेट में पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ और उस एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव आंसर कीज थी वो मैंने अपने वीडियोस में दी थी, आप लोगों ने देखी भी होंगी और उसको बहुत व्यूज मिले, थैंक यू सो मच फॉर दैट। उस पीडीएफ में मैंने जितने भी आंसर्स बताए थे वो एक टेंटेटिव एक एजम्पशन था और ये चीज़ है, ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट सारे ही के सारे क्वेश्चंस आप सही मान सकते हो। उसमें से केवल 3 क्वेश्चंस में डाउट है, मुझे भी डाउट है, जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो आंसर की आई है उसमें 3 क्वेश्चंस में डाउट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 111, 117 एंड 143 क्वेश्चन में डाउट है। मैं पहले आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या आप उन क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि हर एक सवाल में ऑब्जेक्शन नहीं लगता। अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि उस क्वेश्चन का कोई बेस नहीं होता, समटाइम्स इट हैपेंस। बट अगर आप उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं तो प्रूफ क्या लाओगे, तो मैं आज के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि ऑब्जेक्शन लग सकता है कि नहीं, मैं आपको प्रूफ भी दूंगी सो दैट आप उस प्रूफ को यूज करके ऑब्जेक्शन लगा पाए और आपके जो 3 नंबर हैं ये डेफिनेटली इंक्रीज हो पाए। यही मेरी कोशिश रहेगी स्कॉलर्स मंत्रा की सो दैट हम आपकी जितनी हो सके वो हेल्प कर पाए। तो चलिए पहले मैं आपको वो पीडीएफ दिखा देती हूँ जिनमें मैंने वो क्वेश्चन बताए थे। तो वैसे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं। पहले हम चलते हैं 111 क्वेश्चन नंबर, और 111 क्वेश्चन नंबर रहा ये, और ये सवाल मतलब ये सवाल गलत कैसे हो सकता है, मतलब ये बहुत अजीब बात है समझने वाली कि यार इतने अच्छे लेवल की आप एग्जाम तैयार कर रहे हो, क्वेश्चन तैयार कर रहे हो और आंसर की के नाम पे आप वहां पे पता नहीं क्या ही दे रहे हो, तो ये सवाल ना कोई तुक नहीं बनता इसके गलत होने का। बट फिर भी इसमें गलत किया गया है क्योंकि 111 का जो आंसर है वो रेटिनॉल ही होगा 100%। अब आपको बेसिकली प्रूफ चाहिए, वो प्रूफ मैं दूंगी आपको। एक तो ये सवाल में डाउट है, 111 हो गया, 111 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 117, और ये 117 मैंने आपको जो आंसर कीज में आंसर बताया था वो था जॉइंट, और यहाँ पर जॉइंट ना देखे यहाँ पर मसल दिया हुआ है। ये डेफिनेटली इन लोगों से गलती हुई है क्योंकि अगर यहाँ पे आंसर स्ट्रेन इंजरी होता तो इसका सही जवाब होता मसल्स, बट यहाँ पे जो दिया हुआ इंजरी वो है स्प्रेन। स्प्रेन जो बेसिकली इंजरी है वो लिगामेंट की इंजरी होती है, बट यहाँ पर ऑप्शन में लिगामेंट नहीं है, तो लिगामेंट को जो चीज़ कनेक्ट करती है वो है जॉइंट। ठीक है, बेसिकली जो लिगामेंट जिस चीज़ को कनेक्ट करता है वो है जॉइंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्प्रेन में जॉइंट ही आंसर आना चाहिए, मसल आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी मैं आपको इसका भी प्रूफ यहाँ पर दे दूंगी। और इसके बाद जो तीसरा जो क्वेश्चन है जिसमें डाउट हमें लग रहा है वो हो गया आपके 143, तो 143 क्वेश्चन नंबर नीचे दिया गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 143, और ये एक बहुत ही बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, मतलब ये मान लीजिए सारे के सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लेके परेशान हैं कि प्राइम मसल्स कौन सी होगी जब आप किसी भी आर्म को पुल कर रहे हैं एट फ्रंट। ठीक है, अब यहाँ पे चेस्ट नहीं दिया हुआ है या फिर एट फ्रंट ले हो, फ्रंट मतलब बेसिकली इसका मतलब ये फ्लेक्शन ही है। अगर यहाँ पे पुश होता तो ये एक्सटेंशन होता, यहाँ पर पुल लिखा हुआ है, तो आप फ्रंट में किसी भी आर्म को अगर आप पुल कर रहे हैं तो वो बेसिकली किसकी वजह से होगा, प्राइम मसल का मतलब होता है प्राइम मूवर। मैंने इसका आंसर दिया था बाइसेप्स ब्रैकाई, जो कि यहाँ पर जो कि ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका मैं आपको प्रूफ दूंगी कि भाई मैंने जो आंसर दिया था सी, उसका प्रूफ क्या होगा। जब भी आप कोई पढ़ाई करते हैं अगर विदाउट प्रूफ या फिर विदाउट एविडेंस के पढ़ाई करेंगे तो उस पढ़ाई का कोई बेस नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ पर अब दिखाती हूँ कि आप इन डाउटफुल क्वेश्चंस में कौन से बुक्स के प्रूफ लगा सकते हो। तो मैंने आपको आंसर बताए थे, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट विद माई आंसर, जो मैंने आपको बताए थे वो बिल्कुल सही आंसर्स हैं। अब प्रूफ के लिए मैं ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी। अगेन आई एम सेइंग कि मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जितनी भी पीडीएफ इंफॉर्मेशन सारी वहां पर मिल जाती है, तो ये जो पीडीएफ है मैं वहां पे शेयर कर दूंगी सो दैट आप इस पीडीएफ को यूज करके जो क्लेम है वो कर पाए। एक ये किताब आप देखिएगा, हेल्थ एजुकेशन की ये किताब है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली हेल्थ एजुकेशन की ही किताब है,
पेगी स्टैनफील्ड एंड वाई एच हुई की। तो ये जो किताब है ये बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगी क्योंकि इसकी प्रॉपर एक जो पब्लिकेशन है वो भी बहुत अच्छी पब्लिकेशन है, काफ़ी वर्सटाइल किताब है ये। तो ये प्रॉपरली ये स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नहीं है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो प्रूफ है वो नहीं माना जाता। तो अगर आप इंडियन ऑथर्स की बात करेंगे तो उसकी मोस्टली किताबें कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए होती है, तो वो आपकी नहीं मानी जाएगी। तो दैट इज वाई इसका प्रूफ अगर आप लगाएंगे तो ये बिल्कुल प्रूफ के लिए रहेगा। और यहाँ पर क्लियरली दिखा हुआ है कि हाउ वाइटमिन्स आर क्लासिफाइड। तो वाइटामिन क्लासिफिकेशन का यहाँ पे देखिए नाम देखिए लिखा हुआ है, वाइटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। तो ये मतलब बेसिकली हमें प्रूफ चाहिए, बाकी तो समझने वाली बात है नहीं क्योंकि हम सबको पता है कि इसका जो नाम है वो ए ही होगा, रेटिनॉल। ठीक है, तो एक तो ये प्रूफ आपको मिल जाता है। इसके बाद ये है दूसरी किताब एटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो पहला सवाल का प्रूफ आपको मिल गया, ये दूसरा प्रूफ मैं आपको दे रही हूँ। एक ये किताब बहुत ही फेमस किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। और ये किताब का अगर आप यहाँ पे रेफरेंस देखें, देखो पहली बात तो ये जो रेफरेंस है ना 143 क्वेश्चन नंबर का, ये रेफरेंस मिल पाना भी कई बार मुश्किल है क्योंकि वो एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एग्जैक्टली आंसर तो नहीं मिल पाएगा, मैं अगर आपको फ्रेंकली बताऊं कि किसी भी बुक में आपको एग्जैक्टली मैं वो लाइन ढूंढ के दे दूं, ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। सिचुएशन किसी किताबों में दी होती किसी किताबों में नहीं दी होती। अब इतनी सारी किताबें कहाँ तक आप लोग ढूंढोगे, ठीक है। तो बट वो चीज़ जो एक स्ट्रांग आइडिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए ये देखिए, आई थिंक थोड़ा सा इमेज आपको ब्लर्ड रहेगा क्योंकि वो पीडीएफ का इमेज है, तो थोड़ा सा ब्लर्ड रहेगा, बाकी ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। ठीक है, देखिए अपर आर्म को कौन सी मसल है जो कि लोकेशन के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करती है। बेसिकली देखो अपर आर्म में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अपर आर्म में है बाइसेप्स ब्रैकाई और फोर आर्म में ये है। ठीक है, तो एक चौथी चीज एक चीज जो क्लियर हो जाती है वो कि अपर आर्म में बाइसेप्स ब्रैकाई होती है। तो ये प्रूफ मिल गया आपको। ठीक है, प्रूफ की बात करूं हम सबको पता है, बट प्रूफ की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद देखेंगे आप, वो तो हो गया लोकेशन, और ये दूसरा प्रूफ है आपका फंक्शन। तो लोकेशन भी क्लियर है और फंक्शन भी क्लियर है। अगर आप बात कर रहे हैं अपर आर्म की और फोर आर्म की, तो बेसिकली जब आप फोर आर्म की बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिएगा आपकी जो फ्लेक्सर्स बेसिकली जो है, ठीक है, तो यहां पर अपर आर्म के लिए जो फ्लेक्सर्स है वो लिखा हुआ है पेक्टोरिस मेजर, बट यहाँ पे फोर आर्म के लिए यहाँ पर बाइसेप्स ब्रैकाई भी लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो ये भी एक प्रूफ यहाँ पर मिल जाता है। बाकी अगर एडक्टर की बात करेंगे तो एडक्टर देखेंगे आप, एडक्टर में दिया हुआ है पेक्टोरिस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्सी। मतलब जो जो मेन मूवमेंट है, प्राइम मूवर्स जो है, प्राइम मूवर्स वो है आपके बाइसेप्स ब्रैकाई, और जो एडक्टर्स यहाँ पर होंगे जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मसल्स को, तो वो हो गया आपके पेक्टोरिस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्सी। ठीक है, एक तो ये चीज समझ, ये भी एक प्रूफ मिल सकता है। दूसरा प्रूफ आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए अगर आप प्राइम मूवर की बात कर रहे हैं तो प्राइम मूवर के लिए ये थोड़ा सा आई थिंक आपको इमेज क्लियर नहीं होगी, मैं फिर से थोड़ा सा स्क्रीन को बढ़ा देती हूँ सो दैट आप इसको अच्छे से समझ पाए। ओके देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो प्राइम मूवर है, ठीक है, ओके, तो जो ये प्राइम मूवर है वो ये कि जो मसल को स्पेसिफिकली मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्शन एंड फंक्शन की बात करेंगे, बाइसेप्स ब्रैकाई प्राइम मूवर होती है फ्लेक्शन के लिए। क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो आपको ये चीज क्लियरली समझ में आती है कि भाई पेक्टोरिस मेजर और लैटिसिमस डॉर्सी एक एडक्टर का काम कर रही है, बट जो अगर आप प्राइम मूवर की बात कर रहे हैं फोर आर्म को पुल करने के लिए, फ्लैक्स करने के लिए, जब आप किसी भी आर्म को पुल करते तो फ्लैक्शन यहाँ पर प्राइम मूवर है, और किसी भी आर्म को एक्सटेंड करते तो यहाँ पर आपका प्राइम मूवर हो जाएगा ट्राइसेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूफ में आई थिंक सफिशियंट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपको प्रूफ लग रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताएगा कि क्या आप इस प्रूफ से एग्री हैं या नहीं। ओके, इसके बाद तीसरा जो सवाल है और ये है बेसिकली बाइसेप्स ब्रैकाई। ठीक है, और तीसरा अगर सवाल की हम लोग बात कर रहे हैं तो तीसरा सवाल देखिए हमें मिलेगा एमएल कमलेश सर की जो किताब है, ये अच्छा एक रेफरेंस है किताबों के लिए, तो ये आप रेफर कर सकते हो। भले ही ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है लेकिन आप इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा तीसरे सवाल, दैट मीन 117 का जवाब, और 117 में यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेन एंड स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो स्प्रेन इंजरी है वो लिगामेंट की इंजरी होती है, और लिगामेंट देखिए, ये देखिए लिगामेंट एंड देयर अटैचमेंट,
यहां से आपको मिल जाएगा प्रूफ। मतलब स्प्रेन जो है वो लिगामेंट की इंजरी है और अटैचमेंट की इंजरी है। अटैचमेंट का मतलब होता है जॉइंट, भाई सीधी सी बात है ना, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, जॉइंट होता है। तो स्प्रेन या तो लिगामेंट की इंजरी है या फिर एक अटैचमेंट की इंजरी है। तो यहां से आपको तीनों जो बाकी, जब आप इस किताब को और देखेंगे तो यहाँ पे माइल्ड स्प्रेन दिया हुआ है, मॉडरेट स्प्रेन दिया हुआ है, सेवरेज स्प्रेन दिया हुआ है और स्प्रेन फ्रैक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप वही चीज को बार बार पाएंगे कि देखिए जॉइंट कैविटी, यहाँ पे जो भी ये स्प्रेन की प्रॉब्लम होती है बार बार जॉइंट जॉइंट कैविटी मूवमेंट, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। एक बार पढ़िएगा तो यहाँ पर भी आप एक स्ट्रॉन्ग आइडिया एक दे पाएंगे। मैं फिर से आई थिंक इमेज क्लियर नहीं होगी होगी, मैं दोबारा से आपको बता दूँ कि ये जो स्प्रेन है यहाँ पर देखिए लिगामेंट की इंजरी है और यहाँ पे लिखा हुआ है अटैचमेंट, ठीक है। तो लिगामेंट एंड अटैचमेंट दोनों की ही इंजरी यहाँ पर लिखा हुआ है। अटैचमेंट का मतलब होता है जॉइंट, यहाँ पर देखेंगे जॉइंट कैविटी भी लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाएगा इस क्वेश्चन के। तो 117, 111 और 143 का जो सवाल है उसका जो प्रूफ है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ये PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। तो इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आपको जो मेरा कमेंट है वो मिल जाएगा, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएगा। ये PDF को ले लीजिए और कल तक का टाइम है आपके पास, तो जल्दी जल्दी जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो करिएगा, अब ट्राई करिएगा, ताकि आपकी वजह से, आपकी हेल्प की वजह से जो जितने भी स्टूडेंट्स बेचारे इनको नहीं मिल पा रहा है प्रूफ, क्योंकि प्रूफ ना ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा दो और वो लोग मान लेंगे। अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो बिल्कुल लगाइए, और ये 3 नंबर जरूर हम कोशिश करेंगे, मैंने भी प्रूफ लगाया हुआ है, बाकी आप भी कोशिश करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा आवाज होगी, सेम प्रूफ रहेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी आपके आंसर के सही होने की, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। और एक चीज और, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, ये 3 सवाल अगर आपके सही हो जाते हैं, तो मेरे वीडियो पे वापस आके मुझे एक बार कमेंट जरूर कर देना कि यस मैम ये एग्जाम हमारा क्लियर हो गया। और मुझे बहुत खुशी होगी ये बात जान के कि हमारी थोड़ी सी मदद से अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होगी। तो जरूर बताएगा, क्योंकि आपसे ही हम हैं, और अगर आपका एग्जाम क्लियर होगा तो हमें उस चीज के लिए बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।